आज जेल में हमारे नेता माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलने गए थे। भगवंत मान साहब और मैं, हम दोनों मिलने गए थे। लगभग 30 मिनट का समय मिलता है मिलने के लिए। इस 30 मिनट में जब शुरुआती पहली बार एक दूसरे को मान साहब और केजरीवाल साहब देखे, तो भगवंत मान साहब बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाए। थोड़े देर तक उनकी आवाज़ रुक गई और उनके आंसू टपकने लगे। फिर बातचीत शुरू हुई। बातचीत में हमने सर से पूछा कि सर, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? आप कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, मैं संघर्ष के लिए तैयार हूँ। ये बताओ कि जनता कैसी है, ये बताओ कि जनता क्या कह रही है, ये बताओ कि बिजली जो फ्री मिलती थी, क्या अभी भी फ्री मिल रही है? कुछ रुका तो नहीं है इस पे? कहीं पावर कट तो नहीं लग रहा? ये बताओ कि इस जो स्कूल थे, क्या वो सही तरीके से चल रहे हैं? क्या वहाँ पढ़ाई हो रही है? उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि जो अस्पताल है, मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिलती थी, फ्री में जो दवाइयाँ मिलती थी, क्या वो मिल रही है? सारी चीज़ें उन्होंने एक एक करके जनता के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में पूछा। तब तक जब तक उनको संतुष्टि ना हो गई कि हाँ, सारा कुछ ठीक चल रहा है, तब उनके चेहरे पर जाकर ये संतोष दिखा। हम बार बार ये पूछते रहे कि सर, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? वो बार बार यही कहते थे, यार मेरी चिंता छोड़ो ना। और उनके मन में कई सारे प्रश्न थे दिल्ली की जनता को लेकर। वो सारा कुछ उन्होंने पूछा। हमने बताया कि सारा कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने दो तीन बातें मुझे कही। उन्होंने ये कहा कि अगले हफ्ते से दो दो मंत्रियों को वो जेल में बुलाएंगे और वहां पर उन मंत्रियों के विभागों का रिव्यू करेंगे कि काम कैसा चल रहा है, और गाइडलाइंस और डायरेक्शन देंगे। तो अगले हफ्ते से ये शुरू होगा। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि सभी MLAs को ये मैसेज पहुंचा दिया जाए कि वो जनता के पास जाकर, अपने एरिया में एक एक घर में जाकर, एक एक घर में जाकर जनता से बातचीत करें। उनकी जो भी तकलीफें, जो भी दुविधा हो रही है, उस सबको दूर करें, उसको 24 घंटा जनता के बीच में रहें। उन्होंने ये कहा कि पहले जितने भी घंटे वो पब्लिक से मिलते थे, जितनी भी वो मेहनत करते थे, अब सारे विधायकों को मेहनत डबल करनी है। उन्होंने एक चीज़ और कहा कि जो 1,000 रुपये हर महीने हमारी माताएं, बहनें, जो महिलाएं हैं, उनको हर महीने सम्मान राशि के रूप में देने की जो बात कही, जो बजट पास भी हो गया है, उन्होंने कहा है कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाहर आएंगे और बाहर आते ही इसको लागू करेंगे। पूरे समय जब उनसे मिले तो उनके चेहरे में एक भी शिकन नहीं था। उनके मन में एक ही प्रश्न था कि सारा काम जो दिल्ली में हुआ है, जो बिजली में हुए, जो पानी में हुए, जो स्कूल में हुए, जो हॉस्पिटल में हुआ है, जो महिलाओं की फ्री बस यात्रा में हुआ है, कुछ रुकना नहीं चाहिए। वो सारे समय इसी के बारे में पूछते रहे। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि वो पूरी तरीके से जनता के बारे में, वहाँ पर कहीं पर भी रहे, वो जनता के बारे में, उनका पूरा जीवन संघर्षमय रहा है और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे।